नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप लोग का ममता सिंह के चैनल में। तो कैसे हैं आप सब, उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। और आज दिन है संडे और सुबह का अभी बज गया है, 10:30 बज गया है। सारा काम हम हो गया, नहा हुआ भी लिए हैं, बस कंघी नहीं किए हैं, अभी नहा धोवा लिए हैं। तो आज सौम्या कुछ ना सामान सौम्या मंगवाई है मीशो से और फ्लिपकार्ट से, तो दिखाते हैं आप लोग को। तो देखिए यहाँ पर सौम्या आज मीशो से और फ्लिपकार्ट से बहुत सारा शॉपिंग की है। तो देखिए टॉप जो मंगाई है, पहनी है टॉप, और ये गले का जो मंगाई है, इसका जो प्लास्टिक पैक होके आया था, फाड़ फोड़ दी, उसको जल्दी था पहनने का, पहन ली। फ्लिपकार्ट से मंगवाई है जो गले का है, और मीशो से मंगवाई है जो टॉप पहनी है ये वाला। आप लोग बताइएगा इसका टॉप कैसा लग रहा है। देखिए सबसे पहले हम ये दिखा रहे हैं, गले का पेंडेंट सेट मंगवाई है फ्लिपकार्ट से, सब फाड़ फोड़ दी है पहले ही फाड़ फोड़ के निकाल दी है। देखिए ये है, ये देखिए गले का 3 लेयर वाला पेंडेंट सेट मंगवाई है फ्लिपकार्ट से। ये देखिए अच्छा ही लग रहा है इसको। और एक मंगवाई है, ये है मीशो से मंगवाई है। यहाँ पे देखिए ये भी फाड़ फूड़ के इसको ट्राई भी कर लिया है। ये देखिए टॉप मंगवाई है, स्ट्रेचेबल है, ऐसे खींचता है, और इधर से भी चौड़ाई की तरफ से, चौड़ाई तो ठीक है लेकिन हमको लग रहा है कि लंबाई थोड़ा सा छोटा है इसका, पर ये नीचे की तरफ ऐसा ही रहता है ये। तो देखिए बताइएगा आप लोग, पहन के ट्राई भी कर ली है पहले ही। अभी शेरू का हाजिरी लग गया है, देखिए शेरू आवाज़ दिए हैं तो निकल कर आया है। इधर एक दो दिन से इसका तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए निकल नहीं रहा है, अपने जगह पर वहीं रहता है। अब गोभी खाएगा, गोभी भी नहीं खा रहा है आजकल, लेके गया। और यहाँ पर कुछ काम हो रहा है हम लोग के घर में, तो पार्किंग में पूरा बालू सब है। यहाँ पर सब चेयर वगैरह निकाल के रख दिए हैं, बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी सब हो गया है। तो आज हम बना रहे हैं रात में खाने के लिए पालक पनीर। तो ये देखिए मसाला पीस रहे हैं, मसाला के लिए यहाँ पर जीरा, हरी मिर्च, लहसुन है, अदरक है और काली मिर्च है, सब निकाल लिए हैं, पीस लेते हैं। तो यहाँ पर हम पनीर काट लेते हैं, यहाँ पर पनीर काट ले रहे हैं। और हम अपने लिए थोड़ा सा अलग बनाएंगे बिना लहसुन प्याज का, तब मेरा एकादशी का व्रत है तो हम लहसुन प्याज इसमें नहीं डालेंगे, थोड़ा सा अपने लिए इधर बना लेंगे, इतना रख लिए और इतना इन लोगों के लिए बनाएंगे। और ये देखिए छेना जो फटता है सुबह में, उसका भी इतना पनीर बचा हुआ है, उसको भी हम पालक में डाल देंगे। तो दिखाते हैं, देखिए हम लोग कैसे बना रहे हैं। इसमें और इसको हटा देते हैं, लहसुन प्याज तो डालना नहीं है इसमें, प्याज काट लेते हैं हम। हल्का फ्राई कर पनीर हम निकाल दिए हैं यहाँ पर, और अब डाल देते हैं इसमें प्याज, इसमें लहसुन काट के भी हम डालेंगे हैं। तो मैं के पापा को लहसुन काट कर बढ़िया लगता है, इसलिए लहसुन भी काट के डालेंगे इसमें, और प्याज दोनों क्योंकि हम अपने सब्जी में भी डालेंगे इन पालक।
सुबह में ज़्यादा छेना फट गया था, इतना खाए नहीं थे मम्मी और पापा, और हम भी नहीं खाएं, बचा हुआ था उसको मसाले में डाल के भून दे रहे हैं और नमक भी डाल देते हैं। अब इसमें हम पालक डाल देते हैं। और इतना हम अपने सब्जी के लिए बचा कर रखते हैं, अपनी सब्जी में डालेंगे। और देखिए यहाँ पर हम पुदीना का पत्ता इसको मतलब डंटी से डंठल से अलग करके रखें, इसका चटनी बनाएंगे, क्योंकि कल तो मेरा व्रत है तो हम सुबह में खा नहीं पाएंगे। चटनी पुदीना को हमको बहुत बढ़िया लगता है, इमली डालकर इसको भी दिखाएंगे आप लोग को। डाल दिए पनीर और इसको सीजने देते हैं, हो जाएगा 10 मिनट में सब कुछ। इमली हम डाल देते हैं फूलने के लिए, तो थोड़ा सा पानी डाले हैं और इमली थोड़ा सा फूलने के लिए डाल दिए हैं और मिर्च भी डाला हुआ है। तेल नहीं खाया जाता है आज एकादशी के, नहाए खाए के तेल नहीं खाया जाता है, घी में ही बनाना चाहिए, तो हम घी डाल दिए हैं। तेल में नहीं खाना चाहिए, लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, तो हम घी में ही बना रहे हैं। और अब इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा जीरा, लाल मिर्च डाल दिए एक दो है, तीखा ही हमको अच्छा लगता है, लहसुन प्याज नहीं डाल रहे हैं, थोड़ा तीखा होना चाहिए। और यहाँ पर रखे हैं हरी मिर्च और अदरक, इसको भी डाल देते हैं यहाँ पे। बस सिंपल ही है, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस का है। आग धर लिया, चौका लग गया, पैन में धर ही लेता है। और इसमें डाल देते हैं सेंधा नमक, यहाँ पर सेंधा नमक है, डाल देते हैं पालक जो रखे थे हम। इसमें पानी डाल दिए, जार धोकर ही हम पानी इसमें मिला दिए। डाल दिए पनीर, अब इसमें हम पुदीना और इमली और मिर्च डाल दिए। इसमें हम सेंधा नमक मिला दिए। मेरा सब्जी रेडी हो गया, इसको हम कटोरी में निकाल कर हटा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई छू खा देगा जी, इतना ही सब्जी काफ़ी है मेरे लिए। तो सब लोग खाना खा लिए, हम बाकी थे तो हम भी खा ले रहे हैं। यहाँ पर चटनी है, पालक पनीर और रोटी। तो आप लोग को हमेशा ही कह रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जैसे भी हम बना रहे हैं मेहनत कर रहे हैं बहुत आप लोग के लिए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ। स्वस्थ रहें आप लोग, सुरक्षित रहें, और तब तक के लिए बाय बाय।